हाँ तो ये चल रहा था, ये मेरा है बेटा वोल्टेज सेंसिटिविटी इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी डिवाइड बाय द रेजिस्टेंस, ये लिख लो। और हम थोड़ा सवाल कर लेते हैं छोटे मोटे, लिखो। अ गैल्वेनोमीटर हैज 100 डिविजन्स, अ गैल्वेनोमीटर हैज 100 डिविजन्स, एट 5 मिली एम्पियर एट 5 मिली एम्पियर इट गिव्स 10 डिविजन्स रिफ्लेक्शन, मतलब 100 तो डिविजन्स है उसमें। ठीक है बेटा, और जब 5 मिली एम्पियर फ्लो करता है तो वो 10 डिविजन का डिफ्लेक्शन आता है, तो वो आईजी पूछ रहा है पहला पार्ट, बताओ कितना होगा, मतलब फुल डिफ्लेक्शन कितने में मिलेगा। 50 मिली एम्पीयर। हाँ 50, सही बोले बेटा। कैसे, डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू करंट, इसका बी पार्ट। व्हाट इज द करंट सेंसिटिविटी, व्हाट इज द करंट सेंसिटिविटी, टू टू आगे यूनिट बोलो। डिविजन्स पर एम्पीयर डिवीजन पर पर मिली एम्पीयर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन डन, सेकंड क्वेश्चन पे चलो। ये मैंने करंट सेंसिटिविटी सिखा दिया, ये भी वही है। अ गैल्वेनोमीटर गिव्स 20 डिविजन डिफ्लेक्शन एट 50 मिली एम्पीयर, दो क्लास में खत्म होगा पूरा, वोल्टमीटर एमीटर एंड दिस। ये भी कर लोगे, नॉट एन इश्यू, छोड़ो ये कर लोगे, तब भी देख लो। चलो अच्छा, करंट सेंसिटिविटी दिया हुआ है, निकालो। फाइव फाइव मिलियन पे थीटा फुल डिफ्लेक्ट जितना भी टोटल है, वोल्टेज सेंसिटिविटी बता दिया था, रिलेशन बता दिया था, फिर से एक बार लिख देता हूं। कॉइल का वोल्टेज ये करो, इट्स अभी कर लिया वैसे मैंने पहले, बस फिर से करा देता हूं। 50 डिविजन्स आर जी, 10 ओम्स
to find IG current sensitivity. चलो निकालो. अर्थ तुम कनेक्ट हो गए क्लास में? अर्थ जी सर. ठीक है. इतना लेट आए अनुज जी. अनुज तुम इतना लेट क्यों आए हो बेटा? आईजी कैसे निकालूंगा बता दो. 4 मिली एम्पीयर पे 10 डिवीजन, तो 50 डिवीजन कितने करंट पर? करंट सेंसिटिविटी 50 डिवाइडेड बाय 20. वोल्टेज सेंसिटिविटी डिवीजन डिवाइडेड बाय 50 डिवीजन के लिए कितना करंट चाहिए? 20 इंटू कितना रेजिस्टेंस है कॉइल का? 10. ये बता दिया मैंने. अब एडिंग डालो एमिटर. मीटर इज यूज फॉर मेजरिंग करंट. देखते चलो 3-4 पॉइंट बता रहा हूं. आइडियल एमिटर शुड हैव जीरो रेजिस्टेंस. अभी बताएंगे क्यों. पहली बात, एमिटर एक डिवाइस है जो करंट मेजर करने के लिए यूज होता है. बहुत अच्छी बात है. आइडियल एमिटर वो होगा जिसका रेजिस्टेंस जीरो होगा. बताता हूं क्यों. एमिटर को कनेक्ट करते हैं सीरीज में. समझो पहले क्यों. सपोज करो अभी कुछ मत बनाओ, बस देखो इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है. पहले बताओ 5 एम्पीयर. अब इसको मैं मेजर करना चाहता हूं तो ऑब्वियसली जो मेरे को एमिटर लगाना पड़ेगा वो सीरीज में लगाना पड़ेगा. लगाया. सर आप कह रहे हो कि इसका रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए अगर अच्छा इंस्ट्रूमेंट है तो. क्यों होना चाहिए सर जीरो? बेटा हम चाहते हैं 5 एम्पीयर को मेजर करना.
जब इसका रेजिस्टेंस जीरो होगा उस केस में कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, बोलो ना, फाइव। अगर कुछ रेजिस्टेंस होता तो ये करंट की रीडिंग को बदल देता। तो आइडियल एमिटर वो होगा इसका रेजिस्टेंस खुद का क्या होगा बेटा, जीरो। और एमिटर को किस में जोड़ेंगे, इसका भी करंट मेजर करना है उसके सीरीज में। लिख लो, पूछना हो तो कुछ पूछ सकते हो, अगर कुछ पूछना है तो। लिख लिया ना, बताना फिर। हाँ सर लिख लिया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ सर। हाँ बोलो बोलो, पूछो सर। तो आइडियल एमिटर का रेजिस्टेंस जीरो है तो वो V बराबर IR लगाएंगे तो जीरो आ जाएगा। किसका, फिर से बोलो क्या पूछ रहे हो बेटा। सर अगर अपन एमिटर में I निकालेंगे V बाय R से तो R तो जीरो हो गया। नहीं नहीं तुम समझे नहीं, ये एक डिवाइस है बस। अभी एक डिवाइस है, फॉर एग्जांपल तुम यहाँ खड़े होकर, तुम यहाँ खड़े होकर अगर बता दो कितना करंट फ्लो कर रहा है तो तुम एमिटर हो, खत्म हो गई बात। अभी बता रहे हैं एमिटर क्या चीज है। एमिटर एक डिवाइस है जो करंट मेजर करेगा, और आइडियल एमिटर वो होगा जिसका कोई रेजिस्टेंस ना हो। भाई आइडियल क्यों, ताकि कनेक्शन करने पर वो करंट की वैल्यू को ना बदल दे, तो वो आइडियल एमिटर कहलाएगा। अब अगर तुम यहाँ खड़े होके बता दो कि सर करंट इतना फ्लो करे तो तुम एमिटर कहलाओगे। ये डिवाइस अंदर क्या है इसके, छोड़ दो ये ब्लैक बॉक्स मान के चलो, कि एक डिवाइस जो करंट को मेजर करता है वो एमिटर कहलाता है। और आइडियल एमिटर कैसा होना चाहिए, जिसका खुद का रेजिस्टेंस जीरो हो और वो सीरीज में जोड़ा जाएगा। तुम क्या कह रहे थे कि इसका वोल्टेज जीरो होना चाहिए। हाँ जीरो होगा वोल्टेज, जब इसका रेजिस्टेंस जीरो है तो इस पे वोल्टेज जीरो होगा, ऑब्वियसली जीरो होगा। मतलब इसका आइडियल केस में अगर मैं इसका वोल्टेज पूछ लूं कि कितना है तो जीरो है, यही पूछ रहे थे ना। यस सर। ठीक है आगे बढ़ेंगे। देखो कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमिटर, लिखो अ गैल्वेनोमीटर, अ गैल्वेनोमीटर कैन बी यूज्ड फॉर मेजरिंग करंट। अ गैल्वेनोमीटर कैन बी यूज फॉर मेजरिंग करंट। बट इट विल हैव सम लिमिटेशंस, बट इट विल हैव सम लिमिटेशंस। पहला लिमिटेशन, मेजर्स स्मॉल करंट जीरो टू आईजी, बहुत ज्यादा करंट मेजर नहीं कर पाता। Second,
तो दो प्रॉब्लम तो है ही, करंट मेजर करेगा बट कम करता है, दूसरी प्रॉब्लम है कि वो आइडियल एमिटर की तरह नहीं बिहेव करेगा क्योंकि उसकी कॉइल का क्या है, कुछ रेजिस्टेंस है। लिखो फिर आगे बताऊंगा। देखो बाय सम मॉडिफिकेशन, बाय सम मॉडिफिकेशन द रेंज ऑफ गैल्वेन, द मेजरिंग रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड, द मेजरिंग रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड by some modification, the range of measuring range of galvanometer can be increased. तो अब वो क्या करेंगे, अब देखो अब मैं आपको बताता हूँ क्या हम करने वाले हैं। एक तो galvanometer ideal नहीं emitter हो सकता, second problem है उसका current वो कम measure करता है। अब हम कुछ modification करने वाले हैं इसमें ताकि ये ज्यादा current measure कर सके। देखते हैं, अब मेरी एक छोटी सी कहानी है उसको समझो पहले। कहानी कुछ ऐसी है, ये एक सिटी है और ये कोलार लेक, कोलार से जो पानी आता है भोपाल है, अपना सिटी का नाम भोपाल और ये कोलार। तो कोलार से पानी आ रहा है, ये लाइन डल गई पानी की, और ये लाइन डली थी लेट से 2000 में, तब इंजीनियर्स ने, तब भोपाल की पॉपुलेशन थी 10 लाख, ये लाइन डल गई पानी, बढ़िया पानी आ रहा है, पर वो इंजीनियर है और इनके जो इंजीनियर होते हैं वो तो ऐसे ही होते हैं, पढ़े लिखे ज्यादा मतलब क्या उनको नॉलेज ज्यादा होती नहीं है। तो उन्होंने क्या करा, बस 10 लाख के लिए पॉपुलेशन के लिए पाइपलाइन खोद के डाल दी। उनने ये नहीं सोचा कि जब 2020 आएगा तब ये पॉपुलेशन 10 लाख की जगह हो सकता है 30 लाख हो गई हो। तो आज हो गया 2020 और पॉपुलेशन हो गई है 30 लाख। अब इंजीनियर की मीटिंग हुई, साहब क्या करें क्या करें। तो एक इंजीनियर ने बोला कि सर इसको ओपन खोद देते हैं और नया पाइप डाल देते हैं। तो एक ने बोला तुम तो बहुत बड़े मूर्ख हो यार, इसको खोद के तोड़ोगे तो पानी तो जाएगा ही नहीं, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक थोड़ा पढ़ा लिखा था, उसने कहा एक काम करते हैं साथ में एक और पाइप डाल देते हैं ऐसे पैरेलल में ऐसे करके। तो ये 10 लाख लोगों को सप्लाई कर रहा है, इसको कितने लोगों को सप्लाई करना पड़ेगा बोलो, 20 लाख। ये 10 लाखों के लिए बनाया गया था, 20 लाख एक्स्ट्रा है। तो इस पाइप का जो साइज और डायमीटर है किस पे डिपेंड कर रहा है, विल डिपेंड पहली बात कि ये वाला कितने लोगों को सप्लाई कर सकता है, और दूसरा हमें अब कितने एक्स्ट्रा लोगों को सप्लाई करना है। इसका जो साइज, अभी आगे का फ्यूचर को छोड़ दो कि फ्यूचर का नहीं सोच रहे हैं, अभी इसका जो साइज होना चाहिए वो इसका जो, जिसका जो क्रॉस सेक्शन है उस, इसका क्रॉस सेक्शन से डबल होना चाहिए क्योंकि ये 10 लाख लोगों के लिए है। तो इसको 20 लाख लोगों के लिए सप्लाई करना है तो इसका मोटाई इससे डबल होनी चाहिए। तो ये जो आपने क्रॉस सेक्शन डबल बनाया, ये किस फैक्टर पे बनाया? आपने पहले देखा कि ये कितने लोगों को सप्लाई कर सकता है और अब कितने एक्स्ट्रा लोगों को सप्लाई करना है। इसी थ्योरी पर अब मैं आपको बताऊंगा कि एक गैल्वेनोमीटर आपको दिया गया है, गैल्वेनोमीटर दिया गया IGRG, IG मतलब जिसपे ये कॉइल फुल डिफ्लेक्शन देता है। हमसे कहा गया कन्वर्ट
convert this into emitter of range 0 to I. Convert this into emitter within 0 to I, where I obviously I jo hoga, IG se zyada hoga. Ye rehta likho information. लिख लिया yes, sir. अब बेटा देखो बताते ना अब क्या करना है. बहुत इंटरेस्टिंग है और इजी भी है. वो तुम समझ गए कि मैंने वो जो कहानी बनाई उसे तुम रिलेट कर पाओगे. तो भैया मेरा ये तो आरजी है. अब मैं चाहता हूं कि ये फुल डिफ्लेक्शन तब दे जब यहां से करंट आई आ रहा हो. यही मेरा एम है ना कि ये फुल डिफ्लेक्शन कब दे जब करंट यहां से आई हो. तो हम क्या करेंगे, हम इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जोड़ देंगे. दैट विल बी कॉल्ड अब हमारा हमें इसकी वैल्यू पता करनी है. हमें इसकी वैल्यू कैसे पता करेंगे, हम जानते हैं जब यहां से मेन जब ये जब आई आए तब ये फुल डिफ्लेक्शन दे. तो इस केस में बताओ यहां से कितना करंट जाएगा. अब हम चाहते हैं इस केस में फुल डिफ्लेक्शन दे, तो बोलो यहां से कितना जाना चाहिए. बोलो श्वेता, बोलो शुभी, बोलो अनंतु. हैं हां, कितना जाना चाहिए बेटा. आईजी. वेरी गुड. यहां से आईजी जाना चाहिए. तो यहां से कितना जा रहा होगा, I माइनस आई जी. इसकी वैल्यू निकालनी, दोनों पैरेलल में है. ये निकाल दिया. तो अब क्या हुआ, जब करंट आई आएगा, अभी डब्बे में बंद करके रख दिया, इसको बॉक्स में बंद कर दिया. तो अब जब करंट मेन आई होगा तो फुल डिफ्लेक्शन, और अगर ये आधा हो जाएगा तो दोनों जगहों पे करंट उस हिसाब से प्रोपोर्शनली आधा आधा हो जाएगा. बन गया, आपने रेंज को बढ़ा दिया. तो इसमें थ्योरी लिखो, पहले बना लो इन्फॉर्मेशन, फिर हम थ्योरी लिखवा देते. लिख लिया तो बताना. सर बोलो क्या पूछना है. सर वो आपने आईजी इनटू आरजी लिखा है ना. ओ हाँ, गलत लिख दिया. आरएस नहीं था बेटा, ये
सॉरी 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 तो इसमें थ्योरी लिखो आफ्टर कनेक्टिंग शंट रेजिस्टेंस आफ्टर कनेक्टिंग शंट रेजिस्टेंस द रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर इंक्रीजेस एंड एट द सेम टाइम And at the same time, the effective resistance will decrease. The effective resistance of the emitter will decrease. इसका जो इफेक्टिव बेटा जी रेजिस्टेंस आएगा इसका जो भी इफेक्टिव आएगा वो आरजी से कम होगा क्योंकि दोनों पैरेलल में आ गए. इसका जो भी इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा वो आरजी से कम आएगा. इन न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूं ऐसे इन न्यूमेरिकल्स आई जनरली आई जी से काफी ज्यादा होगा तो फिर आप सॉल्व जब करोगे ये न्यूमेरिकल में वैसे नहीं न्यूमेरिकल में देख कर करेंगे लिख लो. अभी भी ये आइडियल नहीं है आइडियल नहीं बना है क्योंकि अभी भी इसका रेजिस्टेंस है सिस्टम का कुछ लिख लिया बेटा. हाँ सर. रुको मैं थोड़ा इसमें वो कर दूं पहले कैसे करूं मैं इसको कैसे मैं एंटर करूं. अच्छा इसको नीचे लेके जाओ. सवाल आ गया बेटा. मैं पहले लिख दूं आरजी लिखो कॉइल तुम तो लिखो कॉइल रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर आरजी कॉइल रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर आरजी कन्वर्ट दिस into an emitter, convert this into an emitter which has current range, n times of galvanometer, तो पहला पार्ट है फाइंड शंट रेजिस्टेंस. तो मैं करूंगा बेटा
मेरे को रेंज n टाइम्स करनी है, तो अब i की वैल्यू जो मैक्सिमम मेजर होनी है वो n ig है। दिस इज द शंट रेजिस्टेंस। लिख लिया बेटा इसका बी पार्ट। इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो गया? तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हम निकालेंगे, दोनों पैरेलल में है, निकालो कितना आ रहा है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोलो कितना आया सॉल्व करके। देखो कम हो गया बेटा, कम हो गया, पर अभी भी आइडियल तो नहीं बना, बना कम हो गया। ये बी पार्ट हो गया। अब सी पार्ट, सी पार्ट इंपॉर्टेंट, इतना लिखो मैं सिखा दूंगा। सॉल्व करूं? देखो अब सॉल्व करता हूं मैं। पहले करंट सेंसिटिविटी था जो भी फुल डिफ्लेक्शन था डिवाइडेड बाय आईजी। अब देखें मेरा फुल डिफ्लेक्शन जो मुझे मिल रहा है वो कितने करंट पे मिल रहा है, एन आईजी। तो मेरी करंट सेंसिटिविटी हो गई पहले के रिस्पेक्ट में कम। लिख लिया। अब मैं वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालूं, यही निकाल देता हूं। अरे इरेज क्यों नहीं हो रहा है? अब देखना मैं वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालूंगा बेटा। पहले की जो वोल्टेज सेंसिटिविटी थी, आप अपना क्या था एक रिलेशन बेटा वोल्टेज सेंसिटिविटी और उसके बीच का? अच्छा इसकी जगह मैं सॉल्व करके बताऊंगा।
अब देखो मैं वोल्टेज सेंसिटिविटी पहले की बता रहा हूं, फिर बाद में क्या फर्क पड़ा वो बताऊंगा। फुल डिफ्लेक्शन आईजीआरजी, फुल डिफ्लेक्शन सिस्टम का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है आरजी बाय एन, सेम रहा वोल्टेज सेंसिटिविटी। हाँ बेटा उत्कर्ष जी पूछे। सर हर केस में वोल्टेज सेंसिटिविटी सेम रहेगा कि बस इसी क्वेश्चन में? नहीं, एमीटर को जब भी कैलोमीटर को हम वोल्ट एमीटर में आगे बढ़ाएंगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज नहीं होगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज नहीं होगा। बेटा तरनवीर क्लास कब से अटेंड करोगे? फिर अभी अच्छा दिन में फिर से नहीं तो तुम पहले नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ पापा को तुम बताओ तो डॉक्टर से मिले कि सर में क्यों दर्द कल भी हुआ आज भी हुआ बेटा। अच्छा चल मैं देखो बेटा अभी थोड़ी देर में लगाता हूँ, मैं पढ़ा रहा था, मैं देखो थोड़ी देर के नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये जो सवाल अब आ रहा है ये आता रहता है इस तरीके का छोटे मोटे किसी भी एग्जाम में, इसमें लिखेंगे सॉरी लिखो कॉइल रेजिस्टेंस 10 ओम, फाइंड शंट रेजिस्टेंस सच दैट 90% ऑफ मेन करंट पासिस फ्रॉम शंट। लिखो पहले फिर बताता हूं, फिर मैं एक और दे दूंगा। वो शंट की वैल्यू चाहते हैं ताकि जो भी करंट आ रहा है उसका यहां से 90% जाए। तो अगर मैं 100 यूनिट्स मानता हूं करंट आ रहा है तो उसका 90% यहां जाएगा तो 10 यहां जाएगा तो पैरेलल है 10 × 10 = 90 × RS 10/9 ओम। एक और दे देते हैं, लिखो कॉइल रेजिस्टेंस 20 ओम्स, कॉइल रेजिस्टेंस 20 ओम्स Y
What should be the value of shunt resistance? What should be the value of shunt resistance such that such that 2% of main current such that 2% of main current passes from the coil. Sir, repeat kar dijiye. What should be the value of shunt resistance such that 2% of main current passes from the coil? बताओ शंट की क्या वैल्यू होनी चाहिए सर आरजी कितना है बता दीजिए ये आरजी 10 है यही सवाल है आरजी 10 बोलो 50 हैं गलत इसका 2% यहां से गया तो यहां 98 गया नेक्स्ट ट्वेंटी ओम आई जी 10 मिली एम्पियर पर कैसे करोगे ये लो फॉर्मूला ये फॉर्मूला है याद आया ये फॉर्मूला है तो सब्स्टिट्यूशन करो आरजी है 20 आई कितना 1 बेटा ये देखो ये बहुत कम है निगलेक्ट इसको इस वाले पार्ट को छोड़ दो 0.2 ओम क्वेश्चन दे रहा हूं डायग्राम बनाओ फाइंड द रीडिंग ऑफ एमीटर वेरी गुड बेटा अगर आइडियल है तो उसका रेजिस्टेंस कितना है जीरो है जीरो शॉर्ट हो गया
5 एम्पीयर। एक और देता हूं, कैन आई क्लियर दिस? सवाल देखो, डायग्राम बनाओ। An emitter is used of 5 ohm to measure current in the loop what is the एरर इन द मेजरमेंट? कितना एरर आ रहा है मेजरमेंट? व्हाट इज द एरर इन द मेजरमेंट? अभी 2 एम्पीयर मेजर होना चाहिए था। आपने ये मीटर जोड़ दिया, अब कितना करंट मेजर फ्लो हो रहा है? 1 एम्पीयर। तो मेजर तो 2 होना चाहिए था, तो एरर कितना आ गया? 1 एम्पीयर का। द एरर इज -1 एम्पीयर। एरर इज -1 मतलब -1 एम्पीयर कम शो कर रहा है। चलो आज का एमीटर वाला पार्ट खत्म हो गया, अगली क्लास में वोल्टमीटर और ये खत्म कर देंगे, और फिर 2 क्लास और फिर चैप्टर खत्म। इस हफ्ते में चैप्टर खत्म करेंगे, फिर तो बढ़िया बढ़िया, फिर तो फिर उसके बाद हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट स्टार्ट करेंगे। अरे मेरा काफी सारा सिलेबस हो गया, मेन इलेक्ट्रो खत्म हो गया, कैपेसिटेंस खत्म हो गया, अरे यार बहुत सारा करा दिया। रे ऑप्टिक्स में थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है तो करा दूंगा। ये बड़ा चैप्टर है, ये बड़ा चैप्टर है, अब इसके बाद छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, 6-6 क्लास के हैं बस। अगला जो मैं पढ़ाऊंगा मैग्नेटिक इफेक्ट, आसान भी है, और एट द मोस्ट 5 क्लासेस। इंडक्शन 5 क्लासेस ले लो, चलो उसको भी, अब तो ज्यादा छोटे छोटे बचे चैप्टर। चलो मैं क्लास एंड कर रहा हूं, और अब मैं जो मेरा टेस्ट कैपेसिटेंस का अगला है, आज है तुम्हारा मंडे, थर्सडे को मैं अभी डाल दूंगा टॉपिक का एक टेस्ट है। आई थिंक कॉमन पोटेंशियल किरचॉफ रूल किरचॉफ पे है, कैपेसिटेंस का किरचॉफ। तो इसके सॉल्यूशन डाल दीजिए पिछले वाले टेस्ट। हाँ यार इतने सारे बेटा काम रहते हैं ना वो सब। अब जैसे तुम्हारी शीट, अब होमवर्क देना है, वो बनाऊंगा, 11th भी बैच चालू किया है, उसका भी करता हूँ बेटा, आंसर डाल दू, ठीक है? चलो फिर एंड कर रहा हूँ। सर आज की वीडियो डाल देना प्लीज। हाँ बेटा सर आज की वीडियो डाल देना सर प्लीज। क्या डाल दूँ?